यहाँ पे उठते ब्रेकफास्ट खाना है, हमने सारे सिक्के जोड़ दिए। 10 यूरो का ब्रेकफास्ट है, ये कितने हैं, 8 यूरो, 9 यूरो और फिर 1 यूरो बनाने के लिए देखो क्या क्या जोड़ा है हमने, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80, 82 हो गए, 9.82 यूरो हो गए ये। अभी भी 18 सेंट्स की कमी है, पता नहीं कहीं से निकालेगा। अबे तूने कितने सिक्के दबा रखे हैं, पहले मेरे पुरानी ट्रिप के में लेके आया था इसमें। ओनली 8 पैसे रिमेनिंग, बस अब 2 वापस ले ले, हो गए पूरे हो गए, ये 2 का सिक्का अच्छा ये ले ले। देखो ऐसे पेमेंट करेंगे, ये नाश्ते वाली पैसे की हम पे क्या कर रहे हैं, कम से कम हॉस्टल में ये मशीन अबे ऐसे कर करके डालेगा। देखो माना नहीं उसने, एक अच्छा 1 और 2 सेंट का लेगा नहीं शायद, वो कैश दे देंगे, चल हम कोई नहीं भाई डाल दे सारे एक साथ, पूरे डाल। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं अपनी ट्रैवल बुकिंग के लिए कौन सी ऐप यूज करता हूं। तो मैं यूज करता हूं वीगो ऐप। वीगो एक ग्लोबल ट्रैवल ब्रांड है और इसकी सर्विसेज वेरियस लैंग्वेजेस और करेंसीज में अवेलेबल हैं। वीगो स्पेशली तब काम आता है जब आपको बुक करनी थी इंटरनेशनल फ्लाइट्स या फिर इंटरनेशनल होटल्स, क्योंकि ये कंपेयर करता है हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट वेबसाइट्स को और आप तक लेके आता है चीपेस्ट प्राइस अवेलेबल। फ्लाइट बुकिंग्स के लिए कंपेयर करता है वेबसाइट्स होगी जैसे इज माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, मेक माई ट्रिप, या फिर आप डायरेक्ट बुक कर सकते हो एयरलाइन की वेबसाइट जैसे कि इंडिगो, स्पाइसजेट, या फिर आप डायरेक्टली बुक कर सकते हो वीगो से भी। होटल बुकिंग्स के लिए ये आपको चॉइसेस देते हैं, जैसे आप होम रेंटल्स की वेबसाइट होगी एयरबीएनबी, या फिर होटल्स की वेबसाइट होगी जैसे booking.com, agoda.com, makemytrip.com और भी बहुत सारी वेबसाइट्स। जो वीगो की नई ऐप आई है उससे आप बुक कर सकते हो फन एक्टिविटीज और IRCTC की ट्रेन बुकिंग्स भी। वीगो जो है वो है वर्ल्ड की फास्टेस्ट लोडिंग ट्रैवल ऐप, तो ये काम आती है लो कनेक्टिविटी एरियाज में और लास्ट मिनट बुकिंग्स के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो वीगो ऐप को, और अगर ऑलरेडी डाउनलोड है तो वहां से जाके आप अपडेट कर सकते हो। तो डिस्कवर द रियल वैल्यू ऑफ ट्रैवल विद वीगो। तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का नई वीडियो में। आज से शुरू हो रही है स्पेन की सीरीज, अब अगले 12-13 दिन में स्पेन में ही हूँ, बड़े एडवेंचर एक्टिविटीज होने वाली हैं। तो अभी तो हम हैं नीस फ्रांस में और एक ही ट्रेन जाती है, मतलब जाती तो काफ़ी सारी हैं पर एक ही ट्रेन हमारी ऐसी मैच हो रही है कि हम बार्सिलोना आज शाम तक पहुंच पाएँ, जो कि है 8:20 की। तो अब यहाँ पे दिन हो चुका है, अराउंड 8 बज गए होंगे, 8 से थोड़े से ज़्यादा, और नहीं नहीं वहीं से था ट्रेन स्टेशन। तो अभी हम 2 ट्रेन चेंज करके, मतलब 3 ट्रेन टोटल लेनी पड़ेंगी बार्सिलोना पहुँचने के लिए। और अब ट्रेन महंगी भी हो गई हैं क्योंकि हम स्पेन एंट्री कर रहे हैं, स्पेन में रिजर्वेशन बहुत महंगे ट्रेन की, तो वो हमें आपको इस वीडियो में बताएंगे ही, बताऊंगा ही। तो उससे पहले आज एक हमारी बातचीत हुई मेरी और पंजाबी की, उसके बारे में बात करते हैं। तो भाई अभी हम हॉस्टल्स में रुके थे, ठीक है, और कई हॉस्टल्स में क्या है ब्रेकफास्ट पेड होता है, मतलब कि पैसे देने पड़ते हैं आपको 5 यूरो 6 यूरो जितने भी उनका चार्ज होता है। तो हमने कहा इतनी सुबह की ट्रेन है कहाँ ही खाएंगे, वैसे मैं हॉस्टल्स में ब्रेकफास्ट करता नहीं, फ्री हो तो कर लो, अगर पेड़ है तो मेरे को पसंद नहीं है करना, सबका अपना अपना होता है, क्योंकि मैं 5 यूरो का कोई अपना पसंद का सब्वे वगैरह खाना ज़्यादा पसंद करूँगा। तो फिर हमने कहा यहीं कर लेते हैं। फिर क्या हुआ, ब्रेकफास्ट कर लिए, बर्तन धो रहा वहाँ पे, इसने पैसे तो दिए थे फिर भी धो रहा बर्तन। मैंने कहा यार पैसे देने के बाद बर्तन क्यों धो रहा है, कह रहा है बेसिक एटिकेट्स होते हैं कि हॉस्टल में आपको खाना सस्ता मिल रहा है तो आप बर्तन धो के जाओ। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा तो कुछ नहीं भाई, खाने के पैसे दिए मैंने, तो वहाँ पे ऐसे भी लिखा है कि आपकी, मतलब इंग्लिश में लिखा है आपकी मम्मी यहाँ काम नहीं करती, अपने बर्तन खुद धो। तो ऐसे तो भाई मेरी मम्मी खाने के पैसे भी नहीं लेती मेरे से, कोई ऐसा थोड़ी सुबह उठते कि ला 5 यूरो दे और खाना भी खा, मेरी चॉइस का खा और बर्तन भी धो, ठीक है। तो ये कह रहा हॉस्टल में इसलिए धोते हैं बर्तन क्योंकि वहाँ महंगा खाना मिलता है। तो भाई देखो होटल में आपको अपनी चॉइस का खाना मिलता है और महंगा मिलता है, तो इसमें एक एडवांटेज है एक डिसएडवांटेज है। हॉस्टल में आपको सस्ता खाना मिलता है, अपनी चॉइस का नहीं मिलता, पर इतना बेकार जूस था अपनी चॉइस का नहीं मिलता, तो इसमें भी एक एडवांटेज है एक डिसएडवांटेज है। दोनों में भाई होटल में बर्तन तो नहीं धोने पड़ते कम से कम, तो मैं तो भाई ऐसी छोड़ के आ जाता हूँ, और जिस हॉस्टल में मेरे को मौका मिलता है ना मैं तो छोड़ देता हूँ। और ये ड्रामा सिर्फ मैंने यूरोप वाले हॉस्टल्स में देखा है, कई ज़्यादा ड्रामा करते हैं कि धो धो, पर आज मेरे को मौका मिल गया मैं तो ऐसे ही छोड़ आया। तो आपका क्या कहना है पंजाबी? अच्छा तो पहली बात तो ये कि बर्तन धोना, और वहाँ पे डिशवॉशर पड़ा हुआ था, उन्होंने लिखा था कि बस जब बर्तन रख रहे हो तो उसे एक बार रिंस करके रख दो। मैं रिंस करके रखा है, डिशवॉशर में धुल जाएगा बाद में, जो भी धोएगा। तो जो वो चीज़ लिखी थी कि वो बड़ी गलत चीज़ लिखी थी कि
कि यहाँ पे बर्तन धो, ये मदर प्रेजेंट करके, वो बहुत ही मतलब गलत वे में लिखा हुआ था, वो मैं मानता हूँ वो गलत चीज़ लिखी थी उन्होंने। लेकिन जहाँ मतलब मैं इतने हॉस्टल में रुका हूँ पिछले 4 साल में 3 साल में कि ये होता है हर जगह पे। तो क्यों होता है, ये लोग काम नहीं करना चाहते इसलिए? नहीं भाई, अरे भाई हॉस्टल में मोस्टली तो लोग ऐसे ही होते हैं, वॉलंटियर्स ही होते हैं जो वहाँ पे रिसेप्शन पे। तो रह भी तो फ्री में रहे हैं भाई, रह भी तो फ्री में रही है, हमारी तरह पैसे दे दो, हमने कहा वॉलंटरी करने के लिए भाई। तो ये पॉइंट नहीं और ली जा रहा है, इस चीज का मैं बिल्कुल खंडन करता हूँ कि आप किसी भी हॉस्टल में रुको, यूरोप में खासकर, पता है किसी भी देश में मेरे को ऐसा हॉस्टल नहीं मिला जो कहते भाई खुद बर्तन दो। हाँ, अगर फ्री ब्रेकफास्ट हॉस्टल की प्राइस में इंक्लूडेड है तो भाई मैं धो देता हूँ, कोई तो, दिक्कत वाले तो, क्यों धोता है? तो क्योंकि फिर तो मेरे को फ्री मुफ्त सेवा मुफ्त मिल रही है, मिल रही वो पहले इंक्लूड कर रखा उन्होंने। हाँ, बेड में तो ये भी कर देते। हाँ, तो फिर धो देता बर्तन। हाँ, धो देता ये तो मैं धो देता, फिर तो भाई माइंड में हो जाता है ना कि एक चीज फ्री है। पर एक चीज क्या है, सुबह उठते हमसे पैसे ले रहे हैं कि 5 यूरो दो, खाना हमारी चॉइस का खाओ जो जो हम देंगे। था वहाँ पे ब्रेकफास्ट, बूफे क्या था? एक मिनट अभी, ब्रेकफास्ट मेरे को तो आलू का पराठा चाहिए, एक चाहिए ना ये भाई। तो हाँ, तो बस, तो फिर मैं अपने चॉइस का नहीं खा रहा ना, मतलब मत खा, मत दे 5 यूरो, मत खा। ये तो फिर वही बात हो गई ना, वही बात क्या होगी, मत खा फिर 5 यूरो, मत दे। मैं वीडियो कट, वो पंजाबी ने भी कहा था कि नहीं पसंद आया तो मत खा भाई। अब देखो वहाँ पे 2 जूस थे, ऑरेंज जूस था, एक एप्पल था। अब एप्पल बिल्कुल ऐसे सड़ा हुआ, मतलब इसको भी मैंने सुंघाया, कहता भाई सड़ा हुआ है। तो तूने लिया तो तू बोलता उनको जाके कि सड़ा हुआ है। अब वो पैसे दे देते वापस, मुझे नहीं पता। नहीं दे देते हाँ या ना, इस चीज में क्या देना चाहिए मुझे? अब तो वही बात हो गई ना, देने चाहिए उनको कि या तो ये बोलते कि ठीक है सॉरी। अब तो ये बात हो गई कि 5 यूरो क्या कहते हैं हमने ले लिया आपसे, अब आपको खाना है तो खाओ वरना मत खाओ। तो ये बात नहीं होती ना भाई, तभी तो हम बर्तन नहीं धो रहे। कोई भाई कोई मत धो के आया करो, जब भी पैसे दे रहे हो ब्रेकफास्ट के कभी मत धोना। और मतलब अगर बिल्कुल सिर पे चढ़ जाए, सिर पे हाँ तो धो लो। तो अगर मैं बता रहा हूँ, अगर सिर पे चढ़ जाए तो धो देना, वरना ऐसे चुपके से छोड़ के आ जाए करो कहीं पे, क्योंकि भाई इन गोरों को भी तो सबक सिखाना जरूरी है। तो बात का कंक्लूजन ये निकला, पंजाबी के हिसाब से आप पैसे भी दीजिए और बर्तन भी मांजिए। जैसे वो जोक होता था ना मूवीज में कि यार पैसे नहीं है अब तो बर्तन मंजवाएंगे, ये वैसे ही मानता है। मेरा लॉजिक ये है भाई, पैसे दे रहे हो तो मत मानना। अच्छा मेरी बात सुनेगा कि काट देगा भी? सुना। हाँ, तो ये सिर्फ यहाँ पे नहीं होता, मतलब मैं रशिया में भी देखा मैंने, तो ये हॉस्टल कल्चर है भाई। अगर आप नहीं रुकना आपको हॉस्टल में, आप रुकिए होटल में, लेकिन अगर आप हॉस्टल में रुक रहे हैं तो ये हर हॉस्टल का कल्चर होता है कि आपको अगर आप कुछ यूज कर रहे हो बर्तन, अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको उनको थोड़ा सा वॉश करके ले। अभी हो गया था काम, अभी दोबारा आ गए थे पुलिस वाले, अंदर बोले मास्क पहन के रखो। हमें शुक्र नहीं कर रहा ना अभी मास्क, तो दोबारा अपने साथ काटे थे पकाई, तो मैं अभी मेरे को लग ही रहा था क्योंकि अंदर आएंगे। हाँ अच्छा, और जो तूने बोला कि क्या बोला था कि पैसे नहीं है तो बर्तन मांज दो, ठीक है, अब तो कुछ भी बोल रहा है तू तो, ठीक है। नहीं ये तो जोक है ना, एक इंडिया में कि बर्तन मंजवाएंगे अब तो ये पैसे नहीं है हमारे पास। तूने जोक सुना नहीं आज तक? ये सुना तो है जोक ये। भाई ये था अपना कंपार्टमेंट, मैं तो इस पे तीनों पे सो गया आराम से, कोई भी नहीं आया फर्स्ट क्लास में। तो बेस्ट सिटिंग ट्रेन मेरे को लगी आज तक की जिंदगी की, कितनी ये भी कितने कंफर्टेबल हैं। और हाँ, हमारा पास स्कैन हुआ नहीं पर उन्होंने कुछ कहा नहीं हमको। हाँ टॉयलेट होया, ठीक है टॉयलेट भी। लोकल ट्रेन है, आ गया हमारा स्टेशन, बस अब यहाँ उतर जाएंगे। सही था यार, पूरी नींद पूरी हो गई आज की। तो ये हम पहुंच चुके हैं मार्सेले लिखते हैं वैसे तो, पर अब हमको लेनी है यहाँ से हाई स्पीड ट्रेन, 2 हाई स्पीड ट्रेन लेनी है जिनकी रिजर्वेशन कॉस्ट है, एक की तो 10 यूरो ही है, एक की है 34 यूरो। 10 यूरो है जो अभी लेनी है और 34 यूरो है जो अगले स्टेशन से लेनी है। तो वो अगले स्टेशन से रिजर्व करानी है, अब हमारा 20 मिनट हैं रिजर्वेशन करा के ट्रेन में बैठ के जाने के लिए। 2-3 मिनट ही जल्दी पहुंच गई ट्रेन, तो हमारे पास थोड़ा बोनस है 2-3 मिनट का। तो मिनट कुछ नहीं, अभी 20 मिनट ही बचे हैं। हाँ तो उतर भी तो गए। तो ये है अपनी ट्रेन भाई, इस ट्रेन के बंदे तो नहीं है भाई 10 यूरो बिल्कुल भी, क्योंकि ना शक्ल से बुलेट तो लग नहीं रही है, ये तो खटारा लग रही है। पर चलो यार मजबूरी थी तो ले ली हमने, ये आई है अपनी टिकट। चलो आ जाओ फर्स्ट क्लास में। तो भाई 11:23 की ट्रेन थी, हम बता रहे थे ना बहुत टाइम है, 11:20 पे आए हम, पहुंच गए। और ट्रेन काफ़ी अच्छी है और वाईफाई है, तो मतलब
इसके बारे में ना उतर के समझाऊंगा कि मतलब इटली में सब क्यों नहीं था, फ्रांस में सब क्यों है, और मतलब कोई इतना बड़ा लॉजिक नहीं है, पर बताऊंगा। देखो सीट भी पूरी ऐसे कंफर्टेबल है, ऐसे आगे पीछे हो जाती हैं, दो तीन का कॉम्बो है। अच्छी है ना ट्रेन, थोड़ी पीली पीली सी है। हाँ मतलब वो थोड़ी वैसी फील आती है, पुरानी सी लगती है, बाकी सही। तो ये हम उतर गए इससे, निम्स स्टेशन, निम्स एक शहर है, यहाँ से हमको लेने TGV, वर्ल्ड फास्टेस्ट ट्रेन, मतलब जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। पर मेरे को लग नहीं रहा स्टेशन में जाएगी, क्योंकि ऐसा एक गरीब सा स्टेशन लग रहा है। तो TGV की भी इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, स्टेशन में जाएगी लिखा तो जाएगी। कहाँ जा रहा है तू? ये चली गई अपनी ट्रेन। अब स्टेशन कहाँ पे है भाई? अबे मतलब बस रेलवे ट्रैक्स हैं। ये मिला है स्टेशन, देखो कैसा सा अंडरग्राउंड। यहाँ से बुक करेंगे अब टिकट। तो ऐसी मशीन्स मिल जाएंगी आपको, SNCF, मैंने बता दिया फ्रांस की कंपनी है, और सामने लिखा भी है देखो TGV। तो यहाँ से हम बुक करनी शुरू करते हैं, पहले इसको इंग्लिश कर लो, बाय टिकट, लीव नाउ, कंटिन्यू। कहाँ जाना है? पेरिस, बार से ऑल स्टेशन, वैसे सेंट्स पे जाएगी। वन ऑफ सेवरल पैसेंजर 2 6 2 39। बैक करके देखो, यूथ को कम तो नहीं मिलता, तो तू बाज कम थोड़ी ना है तू, 25 12 25 वाला। यहाँ पे भी इटली की तरह हमको काउंटर पे जाके बुक करानी पड़ी टिकट, क्योंकि यहाँ पे यूरो रेल वाला नहीं दिखा रहा था, मतलब दिखा रहा था पर प्राइस दिखा रहा था 100 यूरो, और हमको इसमें फर्स्ट क्लास मिली है 31 यूरो की, जबकि ऑनलाइन दिखा रहा था कि सेकंड क्लास है 34 यूरो की और फर्स्ट क्लास है 48 यूरो की। तो सेकंड क्लास अवेलेबल ही नहीं थी, मतलब पूरी ट्रेन बुक थी, तो फर्स्ट क्लास ही हमको लेनी पड़ी मजबूरन। पर कोई नहीं, हम तो 34 क्या, अरे हम इस तरफ से आए थे भाई, अरे आ जा दिखा रहा हूँ इसको। तो टिकट बिल्कुल मतलब प्रीमियम क्वालिटी में दी है, और जैसे मैं बता रहा था ना, ये जो देश हैं, मतलब जो टॉप क्लास देश हैं यूरोप में, वो है UK, आयरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड। ये आते हैं मतलब बिल्कुल अमीरों वाले देश में। फिर आते हैं आपके जो मिडिल क्लास देश हैं, जैसे कि हो गए इटली, ऑस्ट्रिया, और आपका इटली ऑस्ट्रिया और मिडिल क्लास में कौन से आएंगे, मतलब ये वाले देश, ठीक है। अब जो आते हैं लोअर मिडिल क्लास में, वो हैं स्पेन, पोर्चुगल, फिर आपका आ गया ये चेक रिपब्लिक भी शायद, थोड़ा उसको मतलब बीच में मान सकते हैं, पोलैंड गरीब में आ गया, ग्रीस गरीब में आ गया, और फिर इनसे भी जो गरीब हैं वो हैं मतलब जो शेंगन नहीं है, जैसे हो गया आपका रोमानिया, बुल्गेरिया, बॉस्निया, अल्बेनिया, ये हैं बिल्कुल गरीब, मतलब बिल्कुल सबसे ज़्यादा। तो आपको डिफरेंस दिखेगा, जैसे यहाँ पे वाईफाई मिल जाएगा फ्रांस में, टिकट अच्छी क्वालिटी की देते हैं ये, ट्रेन्स अच्छे, ट्रेन्स में वाईफाई है, जबकि इटली में कहीं नहीं मिला था। तो ऐसे डिफरेंस आपको दिखेंगे जब मतलब आप ट्रैवल करोगे। तो ये रही अपनी बार्सिलोना के लिए ट्रेन। बहुत सारे इंडियन भाई बंधु इन देशों में रहते होंगे, तो मैं किसी देश की बेइज्जती नहीं कर रहा था, पर मतलब सच्चाई तो यही है जो हम ट्रैवल करने पे देख रहे हैं, कि स्विट्ज़रलैंड से बेकार इटली था, इटली से अच्छा फ्रांस है, पर उतना अच्छा नहीं जितना स्विट्ज़रलैंड था। यहाँ पे देखो TGV भी लेट चल रही है 5 मिनट, ऐसा नहीं है कि इंडिया में लेट चलती है, फ्रांस में इनकी बुलेट ट्रेन लेट चल रही है, क्या ही कर सकते हैं बताओ। अच्छा तो भाई मैं आपको TGV के बारे में बता रहा था, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ट्रेन। चलती है नहीं उतने पे मेरे को नहीं पता, क्योंकि चलती है मैंने ऑनलाइन पढ़ा 320 किलोमीटर पे, इसके एनवलप पे भी लिखा है कि 320 किलोमीटर पे चलती है, पर इसने रिकॉर्ड बनाया है 572 किलोमीटर का, मतलब इससे तेज़ आज तक कोई ट्रेन नहीं चली है, मतलब कोई ऐसा रिकॉर्ड था, मतलब व्हील्स पे चलने वाली सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है, पर 572 यार वैसे ही बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब ये अपनी स्पीड के लगभग आधे पे चल रही है बस अभी। तो 320 भी बहुत तेज़ होता है। हम उसमें गए थे फेरा का रोसा, इटालियन 298 297, मतलब 300 मान लेते हैं, 300 पे वो चल रही थी, मतलब इटालो चलती है 320-30 पे चलती है वो भी, मतलब इतने पे ही, और ये भी 320 पे। तो हम पहुंच जाएंगे यहाँ से लगभग 3.5 घंटे में बार्सिलोना, और फर्स्ट क्लास टिकट रिजर्व करा लिए, वाईफाई ऑन बोर्ड है,
ये मतलब ये टिकट नहीं है सॉरी, इसके अंदर मतलब रशियन टिकट जैसी मिलती है ना वैसी है, तो ये कलेक्ट करूँगा मैं। सही है ये बात, देखो फोटो फोटो 320। तो यहाँ पे ऐसे लिखे हैं डिब्बे कहाँ लगेंगे, 11 नंबर मेरा डिब्बा है तो X के पास खड़ा होना है मेरे को। X कहाँ पे है, ये Y है देखो, तो Y अच्छा वहाँ लगेगा मेरा वाला डिब्बा। इसका थोड़ा अलग है, तेरा डब तेरा उससे भी आ गया फिर, मेरा 12 नंबर है। यो अच्छा तेरा इंजन के पास है तो ज्यादा फास्ट चलेगा, तेरे से जल्दी पहुंच जाऊंगा ना मैं। तो ऐसे दो डब्बे ना पूरा कनेक्टेड हैं, मतलब 11 नंबर में सीट होगी इस तरफ, 12 में होगी इस तरफ, शायद वो आ गया होगा पंजाबी पर। ए बार्सिलोना स्पेन वेलकम्स यू ब्रो। आजा भाई, बोर हो गया तेरे बिना मैं भाई। एक तो बोरिंग ट्रेन, टीजीवी से बहुत अच्छी थी फेरेको रोशा, क्योंकि भाई इतने स्टेशन पे रुकी है और वहाँ पे एक मैप आ रहा था, मतलब जो हम चलाते हैं, मैं लैपटॉप पे पूरा रिकॉर्ड किया, 150 से ऊपर नहीं चली, मतलब एक बार 300 गई थी, 500 अरे वो नहीं बोला मैंने, एक बार 300 गई थी इसमें, चले एक बार 300 गई थी, पर आधी रास्ते मतलब 70% रास्ते ये चली है सिर्फ 150 की स्पीड पे। तो मतलब क्या सेंस बनती है इस चीज की बताओ? कोई सेंस नहीं बनती। और इंटरनेट, इंटरनेट तो बहुत ही बकवास, इटली की ट्रेन पता नहीं क्या लिमिटेड, मेरे तो मैंने तो कुछ ज्यादा यूज भी नहीं किया मेरा, फिर भी इतना मतलब स्लो ही चल रहा था। मतलब मजा नहीं आया। तो सबसे सस्ता बर्गर कहाँ, इटली में था, 1.4 का ना सबसे सस्ता चिकन वाला। तो कार्ड से करें, कैश तो बचा ही नहीं हमारे पास, तो सैंडविचेस एंड मील्स। मील्स भी जा रहा है इधर आना सीधे अला कार्ते में, अला कार्ते है ही नहीं ना, मैं कह तो रहा हूँ। ऐसे कैसे हो सकता, सबसे नीचे होगा सबसे सस्ता। तो चिकन मायो 140, 390, ट्रिपल चिकन मायो 390, डबल चिकन भाई यहाँ पे सस्ता है, 1.1 का भी बर्गर। तो मतलब मैक चिकन कितने का यहाँ पे, 450, ये वहाँ से सस्ता है, 490 का था वहाँ पे शायद। तो एक ही ऑप्शन है इसमें, 5 चीज़ें आपको मिलेंगी, पहले तो बर्गर, फिर एक साइड, फिर एक ड्रिंक, फिर एक डेजर्ट, मतलब 4 हो गई, 5 नहीं, 5 यूरो में सिर्फ। ये ले मेरे हिसाब से ये ज़्यादा अच्छे हैं, फ्राइज क्या खाएगा, बोटे आप तूने ये लिया है क्या? हाँ चल मेरे में से मत खाइयो फिर, मैं तो खाऊंगा लिप्टन दी चाय। लिप्टन दी चाय लेंगे। यहाँ देखो भाई फ्री ब्रेकफास्ट है और कोई भी बंदा अपने बर्तन नहीं धोके जा रहा है। भाई यहाँ तो फ्री था और बंदे बर्तन नहीं धो रहे हैं। सो यू मीन्स यू आर सपोर्टिंग द रॉन्ग हॉस्टल। रॉन्ग हॉस्टल नहीं, तो मतलब जिस भी हॉस्टल में भाई अगर आपसे बर्तन धुलवाते हैं ना, तो भाई मतलब अपना खाना बना रहे हो तब धो। अच्छा ठीक है, अगर ये मेरा पार्ट काटना, मतलब वीडियो में से तेरा पता नहीं तो क्या चीजें काट देगा, क्या डालेगा, अपनी चीजें डाल देगा, मेरी चीजें काट देगा। तो भाई देखो ये होता है कि जहाँ जाओ जो वहाँ के रूल्स है वो वैसे कर लो तुम, है ना। देखो अब इन्होंने हॉस्टल के प्राइस में ही कर दिया इंक्लूड, वहाँ उन्होंने तुम्हें ऑप्शन दी कि तुम्हें लेना है कि नहीं लेना है, तब तुम्हारी मर्जी है लेना है कि नहीं लेना है। मैंने ले लिया, वहाँ लिखा है कि भाई अगर तुम खा रहे हो थोड़ा सा इसको रेंज करके रख दो, बाकी जो डिश वॉशर है धोने के लिए, मैंने कर दिया, तो उसमें क्या बुरा किया। हाँ ठीक है कोई नहीं, लोग बताएंगे, बताना भाई क्या बुरा किया। ये देखो ये हॉस्टल कितना बड़ा है, 400 लोग रहते हैं और ये खुद धोते हैं बर्तन अपने और फ्री में देते हैं ब्रेकफास्ट। 15 यूरो में, और वो भी 15 यूरो का ही था हॉस्टल।